हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है एक्सक्लूसिवली शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में काशवी नैनतारा से उसकी खुशियों के लिए लड़ने वाली है। जी हाँ, शो की शुरुआत में दिखाया जाएगा रोमिला अर्जुन से कहेगी कि मैं टेक्नीशियन को कहती हूँ कि प्रोजेक्टर पर वीडियो प्ले करे। यहाँ पर काशवी कहेगी कि महिमा के रूम में मैं जाकर देखती हूँ, और वो जाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। टेक्नीशियन यहाँ वीडियो प्रोजेक्टर पर चला देता है। रोमिला रिकॉल करती है कैसे उसने पेन ड्राइव बदल दी थी। वो सोचती है कि अब नैन तारा की इंसल्ट होगी। काशवी वहाँ आती है, हर कोई शौक हो जाता है सम्राट और नैन की फोटो देखकर। रोमिला माजी से कहती है नैन तारा का अफेयर चल रहा है सम्राट के साथ, और वो ऑलरेडी इस पर जानती है लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। अरुणा टॉन्ट करती है नैन तारा को कि हमेशा से तुम गुड वैल्यूज़ और इज्जत की बात करती थी। तभी वो रिमाइंड कराती है कि कैसे वो एक विधवा की माँ है। और तभी यहाँ दिखाया जाएगा कि सम्राट उसे वॉर्न करता है कि नैनतारा के खिलाफ एक घटिया शब्द मत बोलना। वो कहता है कि मैंने नैनतारा को प्रपोज किया है शादी के लिए, और वो मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि मैं नैनतारा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वो कहता है कि हम किसी से नहीं डरते। माँ जी कहती है नैनतारा तुम कभी नहीं सोच सकती दोबारा शादी के, मैं जानती हूँ। और वो उसको डांटती है धोखा देने के लिए। तभी वो कहती है नैनतारा तुम इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकती हो। तभी वो कहेगी नैनतारा से कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। काशवी कहती है माँ जी से कि नैनतारा हमेशा इस फैमिली के बारे में सोचती आई हैं, और अगर वो इस बार अपनी खुशी के बारे में सोच रही हैं तो आप सब लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तभी वो कहती है नैनतारा विडो ज़रूर है लेकिन उनका भी खुश रहने का हक है, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नैनतारा सम्राट की शादी होती है तो। वो रिवील करती है कि उन लोगों ने ऑलरेडी मुझसे परमिशन ले ली है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी कहती हैं कि अच्छा तो तुमने परमिशन दे दी। काशवी कहती है यहाँ पर कि हाँ, अब मुझे लगता है चुपचाप रहना ही बेहतर होगा, और इसलिए वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। काशवी कहती है कि बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है कि नहीं अपने पेरेंट्स के लिए। अरुणा काशवी से बात करती है। काशवी कहती है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि माँ खुश रहें, इसलिए वो नैनतारा से कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही आप गलत कर रही हो। और वो नैनतारा से कहती है कि मैं आपके साथ हूँ। काशवी कहती है नैनतारा से कि चलिए आपको खुश रहने का चांस मिल रहा है ना 20 साल बाद, तो इसलिए आपको ये चांस जाने नहीं देना चाहिए। रोमिला कहती है काशवी से कि तुम बकवास कर रही हो। काशवी कहती है कि वो और महिमा हम शादी के बाद चले जाएंगे तो माँ अकेली रह जाएंगी। तभी वो माँ जैसे कहती है कि क्या अगर बाबा माँ की जगह होते तो आपने उनकी दूसरी शादी नहीं कराई होती। तभी नित्या कहती है कि हाँ हमें सोचना पड़ेगा सोसाइटी क्या कहेगी, ये तो सोचना चाहिए। तभी वो कहती है कि महिमा और काशवी शादी का टाइम आ चुका है, सोसाइटी उन पर हंसेगी अगर नैनतारा की शादी के बाद बाहर आएगी। काशवी कहती है कि नहीं ये कोई सरप्राइज़ होगा, मुझे ऐसा लगता है हम सरप्राइज़ भी तो दे सकते हैं। तभी वो कहती है कि नित्या आप तो माँ की फ्रेंड है ना, इसलिए आप भी उनके अकेलेपन को समझने में फेल्ड हो रही हैं। तभी वो कहती है कि सोसाइटी कमेंट करती है सबके बारे में। नित्या कहती है कि हाँ लेकिन हमें इसी समाज में रहना है। काशवी कहती है कि ये सोसाइटी मैं इसकी परवाह नहीं करती, लेकिन मेरी जो माँ है मैं उनकी खुशियों को सोसाइटी के प्रेशर में आकर इग्नोर नहीं कर सकती। अर्जुन कहता है कि हाँ सही कह रही है काशवी माँ, हम नैनतारा आंटी से उनकी खुशियाँ नहीं छीन सकते, नैनतारा भी डिज़र्व करती हैं खुश रहना। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर नैनतारा और सम्राट खुश हैं तो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।